हेलो हेलो फ्रेंड, जय श्री श्याम। ये देखिए लौकी खीरे बिल्कुल रबड़ीदार, ना कोई मिल्क पाउडर, ना कोई कंडेंस्ड मिल्क, ना उसमें कोई हमने खोया ऐड किया, फिर भी देखिए कितनी अच्छी खीर बन करके तैयार हुई है। बस फुल क्रीम दूध लिया हमने 1 लीटर, गैस पे चढ़ा दिया, बस थोड़ा सा खोल आ जाए उसमें। आधा किलो का हमने लौकी लिया है, देखिए बिल्कुल लौकी वैसी लीजिएगा जिसमें बीज न हो, बिल्कुल मुलायम से लौकी नहीं आती ताजी वाली, वो लौकी लीजिएगा। देखिए दो से अच्छे से हमने उसको धो के, पहले तो छील लिया था फिर धो लिया, और जो ग्रेटर की मीडियम साइज वाला होता ना छेद, उसी में हम ग्रेट कर रहे हैं लौकी, उसमें अच्छी बढ़िया लच्छा बनकर निकलती है। देखिए अच्छे से पूरी लौकी अच्छे से ग्रेट कर लेंगे दोनों, बिल्कुल मुलायम सी लौकी, ना उसमें कोई बीज भी नहीं थी, और खीर जब तक दूध खोल खोल के आधा रह जाएगा फिर उसमें लौकी ऐड करेंगे। देखिए अच्छी से पूरा लौकी हमने ग्रेट कर लिया, क्यों लौकी पहले धो लिया था इसीलिए हमें धोने की जरूरत नहीं पड़ी। देखिए तब तक का दूध अच्छे से खोल चुका था, अब उसमें हम लौकी ऐड कर लेंगे। देखिए पूरे लौकी ऐड करने के बाद अच्छे से चला देंगे, अच्छे से दूध जब तक मिक्स हो जाए पूरा। बस ये ध्यान रखिएगा जो गैस है ना बिल्कुल मीडियम स्लो पे रखेंगे तो धीमे धीमे पकेगी, थोड़ा सा वक्त लगेगी पर वो खीर इतने टेस्टी बन के तैयार होगी ना, तो अब इसकी आगे रबड़ी खाना भूल जाएंगे, बहुत टेस्टी खीर बन के तैयार होती है। आप इसको व्रत में भी खा सकते हैं, नवरात्र में भी खा सकते हैं, या जैसे कोई भी ऐसे फास्ट रख रहे हैं तो उसमें भी खा सकते हैं। जो व्रत वाले साबूदाना आते हैं हमने उसको 1 चम्मच 2 चम्मच समझ लो छोटे वाले जो खाते हैं खाना, वही वाले चम्मच से 2 चम्मच लेके धो के भिगो दिया था थोड़ी देर के लिए, वो भी हमने इसमें ऐड कर लिया, उससे और थिकनेस बन जाएगी खीर में। देखिए पक रही है धीरे धीरे वो, बस ये ध्यान रखिएगा तो बीच बीच में थोड़े थोड़े चलाते रहिए क्योंकि उसमें साबूदाना पड़ी ना तो चिपक जाती है। थोड़ी सी हमने ड्राई फ्रूट लिया, आप अपनी पसंद के अनुसार ही कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो ये थोड़ा सा किशमिश और थोड़ा बादाम, काजू ऐड नहीं डाला क्योंकि काजू बच्चे नहीं खाते हैं, बस पता नहीं कैसे बच्चे पसंद भी नहीं करते काजू, पीस के डाल दो तो समझ में ना आए तो खा लेते। ये सब डाल दिया, वो अच्छे से खीर भी मेरी पक गई थी, वो सारे ड्राई फ्रूट रखे थे डाल दिया, और थोड़ा सा हमने ड्राई फ्रूट बचा लिया, वो बाद में जब प्लेट में निकालेंगे ना सजाने के लिए उसमें दिखाएंगे आपको कैसे सजाई जाती है। हरी इलायची रखे थे 3-4, उसको अच्छे से कूट के वो भी डाल दिया। हरी इलायची एक ध्यान रखिएगा जो तुरंत कूट के डालेंगे ना वो जल्दी अच्छी टेस्ट आ, मतलब खुशबू आती है, टेस्ट भी अच्छी हो जाती, और पहले से उसको पाउडर बना के रखेंगे ना वो उतना टेस्ट नहीं आती है। ये देखिए खीर मेरी बन करके तैयार हो गई है, और उतना ही ठीक रखिएगा क्योंकि बाद में ठंडी होने बहुत ज़्यादा ठीक हो जाती है। मेरी रेसिपी अच्छी लगे प्लीज़ मेरी रेसिपी अच्छी लगे प्लीज़, बस एक कहना है कि लाइक सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, आ जाइए एंजॉय कीजिए।